पहले लोग कहते थे कि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, और देखिए इस स्टेशन पर हाथी का दांत बन के चापा कर रह चुका है। यहाँ पदाधिकारी लोग आते होंगे, रेलवे के पदाधिकारी आते होंगे, अभियंता आते होंगे, DRM भी आते होंगे, निरीक्षण के क्रम में कई लोग आते होंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक ये रेलवे स्टेशन विकास से वंचित है। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं केवल सच न्यूज से अरविंद मिश्रा, आज तिलैया राजगीर रेलखंड पर मैं रेलवे स्टेशन ओरो पर हूँ। पहले लोग कहते थे कि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, और देखिए इस स्टेशन पर स्टेशन जिसकी स्थापना 2010 में जुलाई 2010 में हुई थी। अब ये देखिए रेलवे स्टेशन का बहुत सारा चीज मैं दिखाऊंगा। आखिर इतना स्टेशन उपेक्षित क्यों है, यानी रेलवे विभाग के मैप में भी वो स्टेशन नजर नहीं आ रहा। अगर नजर आता तो विकास की गंगा इस रेलवे स्टेशन पर बहती। अब तो रेलवे विभाग के पदाधिकारी ही बताएंगे कि आखिर इतना उपेक्षित स्टेशन क्यों है। भवन बना है रेलवे रूम का, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई रहता नहीं है। ये बैटरिक रूम है, ऑफिसर रूम है, ये DG रूम है। लेकिन दुर्भाग्य है इस स्टेशन का कि सबसे बड़ी बात आम यात्रियों के लिए जो होना चाहिए, पानी, पानी की घनघोर समस्या इस स्टेशन पर है, और पानी से वंचित लोग बोतल में पानी लेके आते हैं। अगर किसी को शौचालय लग जाए तो फिर खेत की ओर ही दौड़ता है। भारत सरकार संपूर्ण स्वच्छता की बात माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, संपूर्ण स्वच्छता, और उसके लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपया भी उसके निदान के लिए है, है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस भारत सरकार की नजरों से ओझल और स्टेशन में नहीं शौचालय है। पानी देखिए चापाकल, हाथी का दांत बन के चापाकल रह चुका है। यहाँ पदाधिकारी लोग आते होंगे, रेलवे के पदाधिकारी आते होंगे, अभियंता आते होंगे, DRM भी आते होंगे, निरीक्षण के क्रम में कई लोग आते होंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक ये रेलवे स्टेशन विकास से वंचित है। अब आइए बड़े बड़े घोटालों में, रेलवे का भी घोटाला के यहाँ चर्चा हो रही है। यहाँ जो भवन बना और भी जो यहाँ जो रेलवे के द्वारा भवन से लेकर और भी पानी का जो कुछ व्यवस्था हुआ है उसमें भी घोटाले की बू आ रही है। मैं इस गांव के ही काफी समाज सेवी और प्रखर आवाज उठाने वाले, क्या नाम हुआ आपका? शिवशंकर कुमार बुलेटिन के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने बताया कि रेलवे विभाग में इस बिल्डिंग निर्माण में पानी में काफी घोटाला हुआ है। जी घोटाला हुआ। बताइए, केवल सच में आपका स्वागत है, बताइए क्या ऐसा घोटाला आपको आ रहा है? घोटाला ये हो रहा है सर कि सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर पानी का सुविधा होना चाहिए। ठेकेदार जो थे वो पंकज कुमार कुछ नाम था, मनोज सिन्हा, वो जो है सर आप देखे होंगे पानी का वहाँ टूटी जना रहा है, लेकिन पानी नहीं है, इसका पैसा निकल गया। गायनहाट बना सर, उसका गेट लपता हो गया, यानी गेट लगा ही नहीं सर, देख सकते हैं लपता है, देख सकते हैं।
है रेलवे का गैन हाट, ये है रेलवे का गैन हाट जिसमें 16 आदमी की रहने की व्यवस्था है। जैसा कि बुलेटिन जी बता रहे हैं कि इसमें गेट भी नहीं लगा, और देख लीजिए गंदगी, गंदगी का आलम है। इस तरह से भयानक गंदगी है कि भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी मुंह चिढ़ा रहा है यहाँ की गंदगी। घोटालों का साम्राज्य बना हुआ है रेलवे स्टेशन, इसमें कोई रहते हैं या नहीं रहते हैं? नहीं सर, ताला मारा हुआ है। इसमें शौचालय वगैरह है क्या? शौचालय उचालय है। अच्छा, लेकिन पानी का व्यवस्था नहीं है। यानी पानी की व्यवस्था नहीं रहने की वजह से नारकीय स्थिति में एक गैन कौन भवन हुआ, गैन हाट, गैन हाट जी, हाथी का दांत बनकर रह चुका है। दोनों गबन किया सर, इसमें दो ठेकेदार का हम नाम लेंगे। इस गैन हाट का ओरो जेठिया नटेसर, तीनों गैन हाट बनाने का दिवेश कुमार के नाम से था। दिवेश कुमार कहाँ? धनबाद के थे। अच्छा, उनका था सर। और मनोज सिन्हा जो थे वो पानी का कनेक्शन का उनके पास जिम्मा था। दोनों कैसे लूटे हैं देख लीजिए। तो यहाँ तो बढ़िया, कितने की योजना परियोजना थी? लमसम सर 12 लाख का है। और वो कितने की पानी की परियोजना? पानी का था सर 5 लाख का। पक्षी कहता है कि चमन बदला है, धरा कहती है कि गगन बदला है, मगर श्मशान की खामोशियां कहती है कि न चमन बदला है न धरा बदला है, मुर्दा वही है सिर्फ कफन बदला है। आज भी चारों ओर भ्रष्टाचार की लूट मची हुई है, उसमें ओरो स्टेशन भी अव्वल दर्जे में आ चुका है। सब देखिए लेटरिंग है, इसको लेटरिंग बनाया गया है यात्री साइड के लिए। देखिए इसमें कैसे जाएगा, देखिए यहाँ का ये शौचालय, आगे गंदगी का ढेर, चारों ओर गंदगी का ढेर, ये है हमारा शौचालय। आम आदमी क्या, जानवर भी जाने से कतराएगा। यहाँ के ग्रामीण चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री से, रेलवे मंत्री से, रेलवे के पदाधिकारियों से कि जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त है उस पर FIR दर्ज कराई जाए, ताकि जब भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये नव ओरो के जनता के लिए, यहाँ के यात्रियों के लिए, उनके मूलभूत समस्याओं के समाधान नहीं करके पैसा खाने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अरविंद मिश्रा, केवल सच न्यूज़।